गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। वैसे आप लोगों को काफी दिन के बाद आज की क्लास हो रही है, तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब बात हम करते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। जनरली हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं, डिग्री तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि पॉजिटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है, ठीक है, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होती है। जनरली हम लोग ये अभी तक पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज, ये हमारे पास कॉमन डिग्रीज होते हैं। बट जनरली हमें ये नहीं पता होता है कि किसी भी सेंटेंस में हमें डिग्री कहाँ यूज करनी, किस टाइप से यूज करनी है। कॉमनली अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री दो चीजों की बनती है। एक बनती है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री अगर हम बना रहे हैं, या कॉम्परेटिव बना रहे हैं, या फिर हम सुपरलेटिव बना रहे हैं। तो ये जो हमारी डिग्रीज बनती हैं, ये कॉमनली डिग्रीज या तो एडजेक्टिव की बनती है या तो एडवर्ब की बनती है। तो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, क्योंकि सिंपल वे में अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, किसकी? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जनरली क्या होता है, हम किसी भी सेंटेंस में अगर यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव, एक सिंपल सेंटेंस ले लेता हूं, राज इज अ गुड बॉय, सिंपल है, राम इज अ, राज इज अ गुड बॉय। तो यहां पे जो सेंटेंस हमने सिंपली लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है? राज इज अ गुड बॉय। राज क्या? एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे सिंपल जो डेफिनेशन होती है एडजेक्टिव की, वो क्या होती है? कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, यही होता है कॉमनली, क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। तो सिंपली हमें एक माइंडसेट रखना है, जितनी भी नेमिंग थिंग्स होती हैं, क्या होती है? नेमिंग थिंग्स, जिनको हम नेम। तो यहाँ पे राज कोई भी बॉय है, राज क्या बॉय है, तो ये बॉय कैसा है? अच्छा है? तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये हमारे पास नाउन है सर, ये आपके पास नाउन यूज हो रहा है, और जो नाउन, ये कौन सा नाउन है? आप एक काम करें, जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन देख लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, नाउन की वीडियो डाली देख लेना। सच में बहुत काफ़ी करीब 8 या 9 वीडियोस हैं नाउन के। जैसे आपका एक वर्ड होता है प्यूपिल, बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, प्यूपिल का प्यूपिल्स बनाते हैं, बताया ना? जैसे एक वर्ड होता है गुड, गुड मीन्स सामान होता है, और गुड्स मीन्स, सॉरी, गुड मीन्स अच्छा होता है और गुड्स मीन्स सामान होता है, सिंपली यही होता है, जल्दी बताया। तो ऐसे अप्रोक्स 9 या 10 वीडियोज हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो देख लेना, बहुत ज्यादा इजी भी है, थोड़ा सा नई चीजें भी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रहा था आप लोगों को कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, वही एडजेक्टिव होते हैं। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूं, राज रन्स फास्ट, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे नाउन क्या था? बॉय, और बॉय की क्वालिटी कौन बता रहा था? गुड। जब बॉय की क्वालिटी गुड बता रहा था, तो गुड यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये बात समझ में आ गई? तो जब हम अगर डिग्री बनाएंगे तो किसकी बनाएंगे? गुड की डिग्री बनाएंगे। किसकी? गुड की। तो गुड की जो हमारे पास डिग्री होगी, एक तो डिग्री हो जाएगी बेटर, एक हो जाएगी बेस्ट। सिंपल, हमें दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, एक तो आप लोगों ने गुड तो सभी ने सुना होगा कि गुड की दो डिग्रीज होती है, गुड बेटर बेस्ट। पर सेकेंड पॉइंट आप समझिए कि गुड के अलावा भी एक और वर्ड होता है जिसकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव सेम गुड की तरह होती है। जैसे यहां पर बेटर दिया हुआ है, बेटर गुड की तो कॉम्परेटिव डिग्री होती ही है। सेम ये एक और वर्ड होता है, वो होता है बेल, WELL, क्या होता है? बेल। एक वर्ड होता है बेल, उसकी कॉम्परेटिव डिग्री बेटर होती है और उसी की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी। अब यहां पर यह तो एडजेक्टिव हो गया, अब हम बात कर रहे थे कि किस किस की डिग्री बनती है। अब मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा, राज रन्स फास्ट, राज दौड़ता है, बट कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। तो यहां पे जब राज दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो सिंपली हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो वर्ड किसकी क्वालिटी बताए? वर्ब की। किसकी? वर्ब की क्वालिटी बताए, तो वो हमारे सारे वर्ड क्या होंगे? एडवर्ब, या क्या होंगे? एडवर्ब। थोड़ा सा और समझा देता हूं एडवर्ब के बारे में। देखिए, अगर हम एडवर्ब की डेफिनेशन की बात करें कि द वर्ड्स दोज डिफाइन ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। जो एडवर्ब होता है वो सारे पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करता है, लेकिन किस किस को डिफाइन नहीं करता है? नाउन को, प्रोनाउन को और इंटरजेक्शन को। तो यहां पे मैंने जो सेंटेंस लिखा हुआ था, राज रन्स फास्ट, राज रन्स फास्ट मतलब क्या है?
राज दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। जब यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ राज तेज दौड़ता है तो सिंपली हम एक माइंड सेट कर लेंगे राज कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात करें तो जो एडवर्ब हमारे पास होता है वो सबकी जो डिफाइन करता है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, सिर्फ इनको डिफाइन नहीं करता है, बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सबको डिफाइन करता है। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, और डिग्री किसकी बनती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही डिग्री बनती है। जैसे यहाँ पे गुड था, सिंपल मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख लिया फास्ट, क्या लिख लिया, फास्ट। फास्ट की डिग्री होती है फास्टर, फास्टेस्ट। दो बातें समझ में आ गई होंगी कि डिग्री किसकी बनती है, दो पार्ट, एक तुम्हारे पास एडजेक्टिव होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं उसकी हम डिग्री नहीं बनाएंगे। अब हम बात करते हैं डिग्री की कंपैरिजन, क्योंकि जब हम डिग्री के कंपैरिजन की बात करते हैं तो इनके लिए हमें अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कम से कम दो लोग तो होने चाहिए ना। अगर हम कंपेयर की बात कर रहे हैं तो कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम दो लोग तो होंगे ना, क्योंकि बात किसकी हो रही है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी चीज की तो कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए, तभी तो हम चीजों को कंपेयर कर पाएंगे। तो सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है कि फर्स्ट तो अगर हम बात करें पॉजिटिव डिग्री किसकी, पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव डिग्री सिंपली हम जब दो, सिर्फ दो लोगों ही कंपेयर करते हैं, किसकी, सिर्फ जब हम दो लोगों ही कंपेयर करेंगे तो वहां पर यूज आएगी पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं कॉम्पिटेटिव डिग्री की बात करूं तो जो कंपेयर करने के लिए जो पॉजिटिव और कंपेरेटिव, इनके लिए दो लोग तो होना कंपलसरी है ही, इनके लिए दो लोगों का होना कंपलसरी है। बट अगर मैं वहां पे बात करूं सुपरलेटिव डिग्री की, किसकी, सुपरलेटिव डिग्री की, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारे पास वो हमें किसी ना किसी ग्रुप को अगर दिया गया, अगर ग्रुप नहीं दिया गया तो सिंपली हमें एक चीज याद रखनी है कि वहां पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी। क्या नहीं हुई, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होगी अगर ग्रुप नहीं दिया गया है तो। सिंपली हम किसी एक पर्सन की बात करेंगे और उसमें से अगर हम एक को निकाल, जैसे हमने सिंपली एक बात कर लिया कि कोई भी लड़की है महिमा, महिमा इज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास, या फिर मैंने बोल दिया महिमा इज द बेस्ट गर्ल, महिमा इज द बेस्ट गर्ल, सिंपली समझ में आ गया होगा कि अब हमने यहाँ पे भले ही बेस्ट गर्ल लिखा है, आगे हमने ग्रुप नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में से तो बेस्ट है, किसी ना किसी ग्रुप के बारे में बताया गया और उसी ग्रुप में से वो सबसे अच्छी है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, सुपरलेटिव। अब थोड़ा सा कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जिनकी डिग्री अलग होती है, बिल्कुल बिल्कुल डिग्री जिनकी अलग होती है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज मैं सिर्फ ये बता दूंगा और आगे कभी भी किसी दिन जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, बाकी तुम लोगों को मैं उस दिन जब भी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें समझा दूंगा। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे कि कोई जो स्पेशल डिग्रीज होती हैं, जैसे हम लोग लिस्ट जानते हैं, लिस्ट सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेटेस्ट सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लास्ट सब लोग जानते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, कॉम्पिटेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, जल्दी से बताइए, एक एक करके पूछते हैं किसी से, आपको सिर्फ ये बताना है कौन सी डिग्री है, आप बताओ बेटा कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, कॉम्पिटेटिव या सुपरलेटिव। थोड़ी देर के लिए समझा देता हूं आप लोगों को कि ये जो डिग्री है हमारी तीनों सुपरलेटिव डिग्री है, तीनों सुपरलेटिव डिग्री याद रखना हमेशा, ये हमारी कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, कोई भी हमारी पॉजिटिव डिग्री नहीं है। बट हम लोग यूज करते हैं एटलीस्ट, तो वहां पे कम से कम होता है लेकिन सेंस नेगेटिव होता है, होती सुपरलेटिव डिग्री है। क्या यूज करते हैं, एटलीस्ट यूज करते हैं, और एटलीस्ट का जो हम कॉमनली यूज करेंगे, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, लेकिन कम से कम का मतलब नेगेटिव सेंस में, किसमें, नेगेटिव सेंस में, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कम से कम का यूज करें तो नेगेटिव सेंस में करें, लेकिन है तो वो लेवल है ना, क्योंकि या तो सबसे ज्यादा हो या सबसे कम हो तो वो क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। सिंपली हमें दो चीज याद रखनी है, अगर कोई भी चीज है दो टाइप से दी गई, एक हमें दी गई है कि अगर वो सबसे टॉप पे है पूरे ग्रुप में से सबसे ऊपर है तब भी वो सुपरलेटिव आएगी। जैसे मैंने एक वर्ड लिख देता हूं, कोई भी टॉलेस्ट की बात कर लेता हूं, क्या बात कर लेता हूं, टॉलेस्ट, कोई भी गर्ल है वो सबसे लंबी है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में वो सबसे लंबी है, या तो वो सबसे लंबी होगी या तो सबसे, तो वहां पे शॉर्टेस्ट कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट,
तो यहाँ पे या तो वो सबसे लंबी या तो सबसे छोटी है, तो सिंपली इस टाइप के लिए ऐसा नहीं है कि वो सबसे ज्यादा उसके अंदर इंटेलिजेंसी हो तभी हम वहां पे सुपरलेटिव यूज करेंगे, कुछ भी हो या तो वो सबसे कम हो या सबसे, लेकिन सबसे अलग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सबसे अलग। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे यूज करें। तो अभी मैं तुम लोगों को कुछ डिग्री स्पेशल बता देता हूं जिनके स्पेशल यूज होते हैं। बाकी तुम लोग एक काम करना, अगर तुम लोगों को लग रहा है थोड़ा सा लिस्ट में काफी अप्रोक्स होंगी 50 होंगी डिग्रीज, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है देख लेना, आपको मिल जाएगा ठीक है। और अगर किसी को भी वीडियो में देखना है तो वीडियो के नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को देखना तो उसके लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे आइएगा पूरी मैंने लिस्ट दी हुई देख लेना ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ डिग्री पॉजिटिव डायरेक्टली लिख देता हूं कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, कुछ स्पेशल है उनको लिख देता हूं। जैसे सिंपली एक मैंने बताया था गुड है, गुड हमारे पास डिग्री है, तो गुड का कॉम्परेटिव क्या होता है, बेटर होता है और बेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है वर्ड बैड, बैड का आप लोग अपने नोट में राइट करिए बैड की कॉम्परेटिव क्या होती है और सुपरलेटिव क्या होती है। जितने भी वर्ड वर्ड राइट कर रहा हूं इन सभी के वर्ड आप लोग कॉपी पेन यूज करिए और कॉपी पेन में राइट करिए, मैं वन साइड राइट कर रहा हूं बाकी आपको राइट करने की कोशिश करना, किसी की सिंगल साउंड सुनाई ना दे। जैसे यहां पे मैंने वर्ड लिख देता हूं गुड बेटर बेस्ट, ये कुछ वर्ड हैं इनको मैं भी लिख देता हूं और कुछ वर्ड्स हैं मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो देखते हैं यहां पे जो वर्ड हैं कुछ इनको समझते हैं थोड़ा। देखो यहां पे जैसे गुड का बेल होता है ठीक है, तो यहां पे बेड की दो डिग्री होती है कॉमनली। अगर हम जैसे यहां पे बेड होता है इसलिए इसका इल भी होता है, क्या होता है इल, अगर इल दिया जाए यहां पे, अगर इल दिया जाए तो उसकी भी जो डिग्री होती है तो वहां पे बेड की दो होती है कॉमनली। कुछ लोग लिख भी ली होंगी और कुछ की गलत भी होंगी, बेड वर्स और बस्ट, टॉलर टॉलेस्ट। ओल्ड की दो चीज समझते हैं, ओल्ड की हमारे पास दो डिग्री होती हैं, एक हमारे पास होती है ओल्डर एक होती है एल्डर। थोड़ा सा इनमें एग्जाम में एरर किस टाइप से इस क्वेश्चन से एक एरर बनती है जनरली आ जाती है। ओल्ड की दो डिग्री होती है, एक तो होती है एल्डर एक होती है ओल्डर, इसके साथ यहां पे एक एल्डेस्ट यूज करी जाती है, दूसरी यूज की जाती है ओल्डेस्ट। और अब बात करते हैं ये वर्ड, देखिए एक वर्ड होता है स्लेबल, स्लेबल आप हो सकता है सुनाओ, जैसे इनको हमने अभी पढ़ा है तो गुड बैड टॉल ओल्ड फास्ट, एक बार में पढ़ लिया, फास्ट की लिखनी पड़ी यार फास्टर फास्टेस्ट शो फास्टर और फास्टेस्ट और यहां पे इसकी ओल्डेस्ट। पहले तो इसको समझते हैं क्या ये, ठीक है ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ब्रदर रिलेशन की, किसकी ब्रदर रिलेशन, दूसरा आप क्या समझ सकते हैं डायरेक्टली ब्लड रिलेशन, कैसे अगर ब्लड रिलेशन है, क्या है अगर ब्लड रिलेशन है तो उस टाइम पे हमें एक चीज याद रखनी है कि उस सेंटेंस में हम एल्डर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे
एल्डर यूज करेंगे, बट अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो वहां पे क्या यूज करेंगे, ओल्डर यूज करेंगे। दो बातें हमें हमेशा याद रखनी है। जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा याद रहेगा। यहां पे दिया हुआ है सीमा इज ओल्डर देन हर सिस्टर। अगर यहां पे दूसरा सेंटेंस होता, हमारे पास दो सेंटेंस है, थोड़ा सा समझिए। सीमा इज ओल्डर देन हर सिस्टर, तो वहां पे जो सीमा ने बात करी है अपनी सिस्टर से कंपेयर कर रही है, ओल्डर का मतलब ज्यादा बड़ा होना। एक ही और वर्ड होता है जैसे ओल्ड मींस क्या होता है, बूढ़ा होना, कोई चीज पुरानी होती है। इसका जनरल सेंस ये होता है कि सिंपली याद रखना है कि वो दो साल तुमसे ज्यादा बूढ़ा है, तुमसे दो साल ज्यादा पुराना होता है ना कॉमन, यही होता है। जैसे सपोज सीमा अगर इससे रीना अपनी सिस्टर से दोस्त कितनी है, कोई भी एक साल मान लीजिए वन ईयर टू ईयर बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो दो साल पुरानी है, यही होता है ना। तो वो सेंस थोड़ा ओल्ड का थोड़ा सा लगता है, तो सिंपली याद रखो ओल्ड का मतलब बड़ा होना नहीं होता, पुराना होना भी होता है। ठीक है, तो वहां पे सीमा जो है अपनी सिस्टर से कैसी है, ज्यादा पुरानी है, तो यहां पे क्या हो गया सेंस, ओल्डर। तो यहां पे दो सेंस याद रखिए। अब एक तो आप लोग क्या करेंगे, इस एल्डर को चेंज करके ओल्डर कर देंगे, यही करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। याद रखिए यहां पे बात हो रही है ब्रदर किसकी, ब्लड रिलेशन की, क्योंकि जो सीमा है अपनी सिस्टर से बड़ी है, तो हमें यहां क्या यूज करेंगे ना, एल्डर। दूसरा पॉइंट, अब यहां पे हम अगर ओल्डर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ओल्डर। दो वर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में आपने एल्डर यूज किया, क्या यूज किया, एल्डर, तो एल्डर के बाद हमेशा यूज होता है टू, क्या यूज होता है, टू यूज होता है, देन यूज नहीं होता है। बट अगर हम जनरल केस में बात करें, अगर कंपेरेटिव डिग्री दी गई है तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, क्या आता है, देन आता है हमेशा। लेकिन अगर कॉम्परेटिव डिग्री में से दो में से एक को निकालना है तो देन नहीं आता है। आपको याद होगा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ग्रीनर करके, एक पैराग्राफ था उसमें ग्रीनर का ये क्वेश्चन था, तो वहां पे आपको वो डिग्री थी बट उसके बाद देन नहीं लगना था, क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर हम दो में से एक को निकालते हैं, जैसे नाइदर ऑफ दीज बॉयज इज गुड, नाइदर ऑफ दीज बॉयज इज गुड, तो वहां पे दो में से हम एक को निकाल रहे हैं, तो वहां पे नाइदर के बाद वो नहीं लगेगा। जैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा, एग्जाम में एरर क्या करेंगे वो लोग, सीमा इज एल्डर देन हर सिस्टर और सीमा इज ओल्डर देन रीना, दोनों सेंटेंस ऐसे दिए होंगे, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम सेंटेंस में क्या यूज करना है, यहां पर टू यूज करना है, ये सेंटेंस तभी राइट होगा। अब दूसरी एरर वो क्या करते हैं, वो ओल्डर के बाद टू लगा दें, क्या लगा दें, ओल्डर के बाद टू, हमें ओल्डर के बाद क्या लगाना है, देन लगाना है। तो सिंपली एक तो फंक्शन होता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री दी जाए, की दी जाए सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके पहले हमेशा द आता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री अगर दी जाए तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें कॉम्परेटिव डिग्री की, तो कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है, देन आता है। ये दो पॉइंट समझ में आ गए, अगर कॉम्परेटिव डिग्री है तो उसके बाद देन आएगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द आएगा। थर्ड पॉइंट, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री किसकी, तो ये क्लियर हो गया होगा ओल्ड का। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में दो केस चलते हैं। आपको याद होगा मैंने एक प्रीवियस एक वीडियो अपलोड करा था एज और एज का यूज करने के लिए, नहीं देखा किसी ने, ट्रांसलेशन टिप्स में मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन देख लेना तुम लोग, इसमें मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है। तो मैंने उसमें बताया था एज और एज, जैसे सेंटेंस मैंने बोला कि राम उतना ईमानदार है जितना कि मेरा भाई है, राम उतना ईमानदार जितना कि मेरा भाई है, या फिर राम उतना ईमानदार है जितना कि उसका दोस्त है। उतना और जितना अगर किसी फंक्शन में आता है, क्या आता है, उतना या जितना, तो इस टाइप के केस में हम क्या यूज करेंगे, एज और एज का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एज और एज का, दो केस में आसान हिस्सा याद रखने हैं। तो जैसे मैं सेंटेंस बोला राम इज एज गुड एज श्याम, राम इज एज गुड एज श्याम, तो यहां पर क्या है, राम उतना अच्छा है जितना कि, ये बात समझ में आ गई,
तो सिंपली अगर एज और एज दिया जाए किसी भी एडजेक्टिव के आसपास, दोनों साइड एज और एज दिया जाए, या फिर दूसरा फंक्शन आता है अगर क्या दिया जाए, राज इज नॉट एज गुड एज श्याम, तो यहां पे अगर नॉट लगा है तो यहां पर सो ना आके एज ना के सो आएगा, क्या आएगा सो। तो सिंपल दो चीज याद रखनी है, अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में एज और एज आएगा या सो और एज आएगा, मींस बीच में क्या आएगी डिग्री आ जाएगी, मींस एडजेक्टिव फॉर्म आ जाएगा, तो फास्ट या तो एडजेक्टिव आ जाएगा या तो एडवर्ब आ जाएगा। ये बात समझ में आई सब, आई थिंक क्लियर हो गई होगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो सिंपली एक सेंटेंस इस टाइप से आते हैं, आपको मान लिया आप स्टोरी कंपोज कर रहे हो, स्टोरी में आप कह सकते हो कि मैं अपने दोस्तों से मिला लेकिन मेरा कोई भी दोस्त उतना अच्छा नहीं था जितना कि मेरे पुराने दोस्त थे, मेरे नए दोस्त कोई भी नए दोस्त इतने अच्छे नहीं थे जितने मेरे पुराने दोस्त थे। अब सेंटेंस में उतना और जितना यूज करेंगे तो उतना जितना के लिए क्या करेंगे, सिंपली एज और एज का यूज करेंगे और सो और एज, सिंपली समझ में आ गया। तो एक तो इस टाइप से यूज होता है। तो तीन फंक्शन होते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्पिटेटिव डिग्री लगी है तो देन आएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो एज और एज आएगा, सो और एज आएगा। ये डिग्री के कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें ये आती ही है, फिर भले ही वो एक के लिए यूज करी जाए या फिर किसी ग्रुप के लिए यूज करें। अब हम बात करते हैं, ये तो कॉमन डिग्री की बात हुई तो क्लियर हो गया होगा ओल्ड का फंक्शन, ओल्ड का यूज कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं स्लेबल के बारे में, किसके बारे में, स्लेबल। स्लेबल क्या होता है, अभी मैंने देखो ब्यूटीफुल वर्ड लिखा था उसके में डिग्री नहीं लिखी, ब्यूटीफुल की मैंने डिग्री नहीं लिखी थी, क्यों नहीं लिखी वो समझते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल, तो इसका अगर हम कॉम्पिटेटिव बनाते हैं, अभी तो हमने फास्ट का बनाया तो एक बार में पढ़ लिया था उसको, दूसरा हमने बनाया था सपोज ओल्ड, कोल्ड, टॉल, शॉर्ट, फास्ट, इतने जितने भी वर्ड होते हैं जिनको अगर हम दो बार में बोले, कितने बार, दो बार, यहां पे टू दो बार में बोल रहे हैं। ब्यूटीफुल मीन्स ब्यूटी वर्ड अलग है, फुल वर्ड अलग है, तो यहाँ पे दो वर्ड है हमारे पास। जब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड दिए जाए तो हमें माइंडसेट करना है उसकी कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, किसकी कॉम्पिटेटिव सुपर। एक वर्ड होता है मच, देखो याद आ गया बता देता हूँ, मच और मैनी क्या होता है, और मैनी, इन दोनों की दो डिग्री होती है, सॉरी ये दोनों की एक ही होती है कॉम्पिटेटिव और एक ही सुपरलेटिव, और दोनों की सेम होती है, जैसे उसकी होती गुड और बेल की, वैसे सेम यहाँ पे मच और मैनी की दोनों की पॉजिटिव के साथ साथ कॉम्पिटेटिव होती है इसकी मोर और मोस्ट, ये इसकी कॉम्पिटेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। समझ में आ गया हुआ, तो वैसे अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमने बात करी थी ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है लेकिन उससे ज्यादा के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मोर ब्यूटीफुल, क्या यूज करेंगे, मोर ब्यूटीफुल यूज करेंगे और मोस्ट ब्यूटीफुल यूज करेंगे। अब आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, मैं कुछ वर्ड यहाँ पर लिख दूंगा, फाइनली आपके पास आ जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, इसी डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उन वर्ड्स की आपको डिग्री राइट करनी है कि कॉम्पिटेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है उनकी, और कॉमनली पॉजिटिव डिग्री तो मैं दूंगा। तो आगे जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताऊंगा, क्या बताऊंगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पिटेटिव में कैसे चेंज करते हैं और कॉम्पिटेटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। एक मैं फंक्शन बता देता हूं कि किस टाइप के सेंटेंस को चेंज करा जाता है, अलग ये टॉपिक पर्टिकुलर में एडजेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब पढ़ाता तो वहां पर चीजें और डीपली बता दूं, इसलिए मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया है पॉजिटिव और कॉम्पिटेटिव का, जनरली में इसका बेसिक बता दिया। जैसे सेंटेंस आ जाए राम, वही मैंने लिखा था जो राम इज एज गुड तो यहां पे हमें दो चीजें याद रखनी है, जब भी हमने बताया था पॉजिटिव और कॉम्पिटेटिव डिग्री में क्या होता है, दो लोग की ही पॉजिटिव और कॉम्पिटेटिव बनती है, सिंपली याद रखना, अगर दो लोग हैं तो उनकी पॉजिटिव और कॉम्पिटेटिव ही बन पाएगी, सुपरलेटिव नहीं बन पाएगी, क्या पॉजिटिव और कॉम्पिटेटिव बनेगी सुपरलेटिव बनेगी ही नहीं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेंटेंस समझो, अगर मैं इसको, अच्छा एक वर्ड और होता है ट्रांसफॉर्मेशन, सुना होगा सभी लोगों ने, मुझे याद नहीं है, स्टार्टिंग में बता देता आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ये बताऊंगा। देखो ट्रांस मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को बदल देना, क्या होता है बदल देना,
और फॉर्म का मतलब उसका फॉर्म, उसके जैसे पॉजिटिव है सेंटेंस नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव का पॉजिटिव बना दिया। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि अगर किसी भी सेंटेंस का हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं और उसका सेंस ना बदले, क्या ना बदले, सेंस ना बदले। तो सिंपली जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, रवि इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय, यहां पे रवि क्या अच्छा लड़का है, वहीं पे मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया रवि इज नॉट अ बैड बॉय। तो दोनों का सेंस तो एक ही है, यहां पे भी वो कह रहा है अच्छा लड़का है और यहां पे भी अच्छा, उसने क्या बुरा नहीं है मतलब अच्छा। तो यहां पे इस टाइप के जितने भी वर्ड इनको हम यूज करते हैं, तो ये जो फंक्शन होती है इनको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इनका फॉर्म तो चेंज हो गया, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव में बन गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गए, लेकिन मतलब तो एक ही है, सेंस जो दोनों सेंटेंसेस का रहा वो दोनों सेम रहा। तो इस टाइप के यही फंक्शन होते हैं डिग्री में, डिग्री में सेंटेंस का सेंस वही रहता है बट फॉर्म चेंज हो जाती है बस। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर समझते हैं, जैसे ये दिया, अब हम राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम, अब राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम, मतलब क्या है कि श्याम उससे ज्यादा अच्छा नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा नहीं, यही बात आती है। जैसे मैंने यहां पे राम है, ठीक है, यहां पे राम है और मैं अगर कहूं यहां पे कि जो श्याम है वो उससे क्या है ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों बराबर है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम है। तो इस टाइप की सेंटेंस हमेशा याद रखो, ये जो बताती है दोनों चीजों को सेम बता रही है। अब हमने कह दिया कि जो श्याम है, क्या है, श्याम राम से ज्यादा अच्छा नहीं है, क्या कह दिया, ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको डिग्री बताई थी, तो डिग्री में क्या बताया था कि गुड होता है अच्छा, बेटर उससे अच्छा और बेस्ट सबसे अच्छा। तो यहां पे जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो फंक्शन में अभी कल आपको बताऊंगा, तो यहां पे हम करेंगे सबसे पहले श्याम क्या कह रहा है, उतना अच्छा नहीं है, तो श्याम इज नॉट। अब गुड की हम लगाएंगे कॉम्पिटेटिव डिग्री, क्या लगाएंगे, सिंपली याद रखो जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो वर्ब के तुरंत बाद ही डिग्री लगाते हैं। यहां पे देखो वर्ब के तुरंत बाद डिग्री आई है, तो यहां पे हमने क्या यूज किया, श्याम इज नॉट बेटर। दूसरा फंक्शन बताया था कॉम्पिटेटिव डिग्री के बाद हमेशा ध्यान आता है, तो बेटर समझ में आ गया वो सबको। तो यहां पे इसका सेंस क्या है, श्याम राम से अच्छा नहीं है, सॉरी ज्यादा अच्छा नहीं है, ये क्या कह रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यहां पे ये सेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है, जब आप पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो एक तो ये डिग्री चेंज हो जाएगी और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सेंटेंस पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से ये मैं और जैसे रूल्स हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा, सिंपली फंक्शन बता दिया कि चेंज करने का मेथड क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं। बाकी देखो जितने भी लोग नहीं आ रहे हैं उन सबसे ये कहो कि क्लास जरूर देखा करो, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और तो चीजें इंटरेस्टिंग जरूर मिलेगी। आज मुझे लग रहा है कि आई थिंक कुछ चीजें जैसे बैड की बात थी, जैसे लिटिल, लिटिल वर्ड होता है, लिटिल की आपको मैं वर्ड लिख देता हूँ, लिटिल की आपको डिग्री, लिटिल की डिग्री होती है लिटिल लिस्ट लास्ट, ये वाली जो बताई ये मैं आपको कल बताऊंगा, और भी बहुत सारे वर्ड है वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है।